अब नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स क्वेश्चन, दैट इज 455 × 2। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस 455 इंटू एक्सपेंडेड नोटेशन। हाउ? दिस इज 10 डिजिट नंबर 400, दिस इज 10 डिजिट नंबर दैट इज 50, दिस इज 1 डिजिट नंबर दैट इज 5। सो इन द सेम टाइप वी कैन राइट दिस इंटू एक्सपेंडेड नोटेशन, लाइक 400 प्लस 50 प्लस 5, 400 प्लस 50 प्लस 5 इंटू 2। नाउ अब हमारे पास ब्रैकेट में 3 नंबर्स हैं, तो हम इन तीनों नंबर को एक एक करके बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने ये ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। सबसे पहले हम 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 इंटू 2, वी विल कीप दिस नंबर विद इन द ब्रैकेट। नाउ प्लस, नाउ 50 मल्टीप्लाई बाय 2 विद इन ब्रैकेट प्लस 5/2 विद इन ब्रैकेट। अब देखो हमने यहाँ पे तीनों नंबर्स को ही क्या किया है, एक एक करके बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया। 400 मल्टीप्लाई 2, 50 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2। जब हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 400 इंटू 2 800 वी गेट, 50 इंटू 2 100 वी गेट, प्लस 5 इंटू 2 10 वी गेट, लाइक दिस। Here we have 800 plus 100 and plus 10. So when we will add them, here 910 will be the solution. So now question number 9. Here we have statement 1000. Now we are coming to 2000s place. 1935 into 6. Now we have to expand this number. How to expand? This is thousands place, so this comes under 1000. This is under 1000, 100, so 900 here. This is 30, tens digit, 30 will come here and 5. जब आप इन चारों नंबर को ऐड करोगे ना, तो आपके पास यही नंबर आएगा 100, जैसे जैसे बोलते हैं ना वैसे वैसे 1935, वैसे ही लिखते जाना है और इनके बीच में प्लस का साइन डालते जाना है, इंटू 6। नाउ अगेन अब हमारे पास यहाँ पे जब हमने एक्सपेंड कर लिया तो 4 नंबर्स आ गए ना, तो ये 4 के 4 नंबर्स को हमने बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई दिस 1000 विद 6 इन ब्रैकेट, देन 900 इंटू 6 विद इन ब्रैकेट। Now 30 multiply by 6 within bracket and 5 multiply by 6 within bracket. I repeat, 1000 multiply by 6, इसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन आएगा। Now 900 multiply 6 like this, इसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। Now 30 into 6 like this, अब प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा 5 into 6। Now we will solve the brackets. 1000 into 6, 6000. 900 into 6, 5400. 30 into 6, 180. 5 into 6, 30. Now we have to add these numbers and we will get 11610. एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताती हूँ, जब भी आप जीरो वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, जैसे 900 बाय 6, तो आप क्या करो, ये जो दो जीरो हैं ये पहले ही लिख के रख लो, उसके बाद जो बच गया 9 उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 9 6 54, तो वो यहाँ लिख दो, आपके पास बन गया ना उसका, देखो 5400। इट्स अ ईजी ट्रिक्स, दीज ऑल ट्रिक्स आर गिवन इन योर बुक ऑल्सो, यू कैन रीड फ्रॉम द बुक। So in the last we have question number 10, that is 3 into 6705. Now we will expand 6705. 300, 6, ये जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे लिखेंगे, 6705। अब देखो यहाँ पे 1 digit 5 है, 10 digit 10 है ना, sorry 10 digit 0 है, तो हम यहाँ पे 0 वाला कोई नंबर नहीं लिखेंगे। अब ब्रैकेट में हमारे पास तीनों नंबर हैं, तो हम उसको बाहर वाले नंबर के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 6000 को 3 से,
ना देन 700 को 3 से, देन 5 को 3 से। सबसे पहले हमने 3 को 600 से मल्टीप्लाई किया, इनको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस इसके बाद प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 3 बाय 700, देन अगेन वी हैव एडिशन साइन, वी विल मार्क हियर ऑल्सो, देन वी विल मल्टीप्लाई 3 बाय 5 विद इन ब्रैकेट। हम यहाँ इन नंबर्स को ब्रैकेट में इसलिए रख रहे हैं कि अगर आप इनको ब्रैकेट में नहीं रखोगे ना, तो आप मल्टीप्लाई और प्लस वाले साइन में कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि हमें पहले मल्टीप्लाई करना है कि प्लस डालना है। ठीक है बच्चे, जब आप इनको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आप इनको ब्रैकेट में रख लेना। ओके, नाउ वी विल सॉल्व द मल्टीप्लीकेशन। 3 मल्टीप्लाई 6000, दैट इज 18000। देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये नहीं कि आप 6000 को 3 से मल्टीप्लाई करने लग जाओ, नो। जितनी जीरो है ना, अगर पीछे लास्ट में जीरोज हैं, तो उतनी जीरोज आप आंसर में लिख लो। ये 30 थी, तो मैंने आंसर में 30 डाल ली। अब जो आगे नंबर पड़े हैं 6 और 3, दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 है, वो जीरो के आगे डाल दो, बन गया 18000। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 700। नाउ फर्स्टली वी विल राइट दीज टू जीरोज हियर एंड मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, 3 7s are 21 एंड वी विल राइट 21 हियर, प्लस 3 5s are 15। हियर इज नो एनी जीरो नंबर, सो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई दीज नंबर, वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। सो नाउ इन द लास्ट वी विल एड दैम एंड वी गेट 20,115। आप इन तीनों नंबर्स को साइड पे रफ वर्क करके भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। इफ एनी डिफिकल्टी कम्स, एनी डाउट इफ यू हैव, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद द टीचर। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल।